हाय स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ट्रेसिंग ऑफ अ कॉनिक। कॉनिक दो तरीके के हमने पढ़े हैं, सेंट्रल कॉनिक्स एंड नॉन सेंट्रल कॉनिक्स। सेंट्रल कॉनिक्स के अंदर दो केसेस आते हैं, एलिप्स और हाइपरबोला। अदरवाइज अगर बात करें नॉन सेंट्रल कॉनिक्स की, तो उसमें पैराबोला होता है। जो हमने एलिप्स और हाइपरबोला जो होते हैं, उनका सेंटर एग्जिस्ट करता है और वो सेंट्रल कॉनिक्स होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। और जबकि जो नॉन सेंट्रल कॉनिक यानी कि पैराबोला है, उसका सेंटर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, उसका कोई भी सेंटर नहीं होता है। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं सेंट्रल कॉनिक स्टैंडर्ड फॉर्म इज द सेंटर, इफ द सेंटर लाइज ऑन द कॉनिक ऑन द ओरिजिन, ठीक है। अगर मान लो कोई कॉनिक है और उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर यानी कि इस 0-0 पॉइंट के ऊपर लाई करता है, तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन सेंटर ऑफ एनी कॉनिक लाइज ऑन द ओरिजिन। और अगर ओरिजिन पर सेंटर लाई नहीं कर रहा है, यानी कि 0-0 की जगह कुछ और सेंटर है, तो ये वाली इक्वेशन जो है वो कुछ और हो सकती है। वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो तो पता ही है, जो सेकंड डिग्री इक्वेशन बताई थी। अब क्या है ट्रेसिंग ऑफ सेंट्रल कॉनिक, बेसिकली ट्रेसिंग जो है वो करनी कैसे है, ठीक है, कैसे ट्रेस करना है, कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है अगर हमें कोई भी कॉनिक गिवन है। तो ट्रेसिंग में आज सबसे पहले ट्रेसिंग पढ़ेंगे सेंट्रल कॉनिक्स की, और नॉन सेंट्रल कॉनिक्स जो होते हैं उनकी ट्रेसिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पता ही है सेंट्रल कॉनिक के अंदर दो केसेस हैं, एलिप्स और हाइपरबोला। सबसे पहले एल्गोरिथम की बात करते हैं कि मतलब कैसे हम ट्रेस करते हैं किसी भी कॉनिक को अगर उसकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगी वो या तो ये हो सकती है, ये सिर्फ उसी केस में होगी अगर ओरिजिन जो है या सॉरी जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर लाया कर रहा है। अगर सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्मेट में नहीं होगी, वो कुछ और हो सकती है, ठीक है। तो एक जनरल एल्गोरिथम अगर देखा जाए तो सेंट्रल कॉनिक चाहे वो एलिप्स हो या फिर हाइपरबोला हो, दोनों को रिप्रेजेंट करने का यानी कि दोनों को ट्रेस करने का जो मेथड है वो सेम ही है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर बात करें नॉन सेंट्रल कॉनिक की, तो उसमें जो मेथड है वो एल्गोरिथम उसका डिफरेंट है, ठीक है, उसके स्टेप्स भी अलग हैं। तो सबसे पहले एक बार स्टेप्स गो थ्रू कर लेते हैं कि करना कैसे होता है, बेसिकली ट्रेस करना कैसे है, ठीक है। सो सबसे पहले है फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन सेकंड डिग्री इक्वेशन। सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन, ठीक है। और ये हम कैसे देखते हैं, ये इनिशियली अभी प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि कैसे हाउ टू रिप्रेजेंट द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय एनी सेकंड डिग्री गिवन इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड जो है फाइंड द सेंटर ऑफ द कॉनिक। सेकेंड स्टेप ये है कि जो भी आपने पहले तो देख लिया कि भाई अगर ये इक्वेशन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ देख ली। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसका सेंटर फाइंड आउट करना, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो अगर नहीं आता है कि हाउ टू फाइंड द सेंटर या फिर कॉनिक को कैसे या कौन सा कॉनिक जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है किसी भी सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो उसको जाकर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज़। थर्ड पे आते हैं, थर्ड स्टेप जो है, एक बार हम अभी थॉरली देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है, इनको अप्लाई कैसे करना है या फिर कैसे ये यूज़ होंगे पॉइंट्स, वो अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड, तब समझ आ जाएगा प्रॉपरली। और एलिप्स और हाइपरबोला दो ही केसेस हैं, तो मैंने दो एग्जांपल्स रखे हैं जिससे कि दोनों ही केसेस प्रॉपरली समझ आ जाए। तो थर्ड स्टेप जो है शिफ्ट द ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द गिवन कॉनिक। देखो पहले ही बताया है कि अगर किसी कॉनिक का सेंटर ओरिजिन ही है यानी कि 0-0 ही है तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर किसी कॉनिक का सेंटर ओरिजिन नहीं है तो उस केस में वहाँ पर शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी उसका सेंटर आया है उसको ओरिजिन पर शिफ्ट करना, ठीक है, या फिर ओरिजिन को उस सेंटर पर शिफ्ट करना। शिफ्टिंग कैसे करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है, ठीक है, वो हमने देखा था कि जो एक्सरसाइज हैं उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, एक रोटेशन होती है, एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए भी प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं एक बार। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ पॉइंट दैट इज़ फाइंड द स्लोप और एंगल ऑफ द एक्सिस गिवन कॉनिक विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, स्लोप निकालना है, यानी कि जो कॉनिक है हमारा उसकी जो एक्सिस है जो कि डिफरेंट होंगी ओरिजिनल वाली से, यानी कि जो एक्स और वाई एक्सिस होती है हमारी उससे अलग होगी क्योंकि हमने शिफ्टिंग कर दी है, ठीक है। और कुछ रोटेशन भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर हमारी ओरिजिनल मान लो एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, अब हमने इसका जो ओरिजिन था वो किसी और पॉइंट पे जहाँ भी उसका सेंटर लाया करा होगा वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वाली जो एक्सिस होंगी वो पैरेलल होंगी, मतलब कि उसकी जो एक्स डैश होगा वो इसके पैरेलल होगा, वो रोटेटेड भी हो सकता है, मतलब उसकी कुछ ऐसे भी इस तरीके से भी हो सकता है कि वो ऐसे रोटेशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि एंगल निकालना, यानी कि ये ओरिजिनल एक्स एक्सिस थी, दिस वॉज द
ट्रांसलेशन करने के बाद जो नई एक्सेस आई है वो है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, यानी कि ओरिजिनल वाली एक्स एक्सेस के बीच में और प्लस ये जो अभी आया है उसके बीच में, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो एंगल होगा वो स्लोप से ही आ सकता है, क्योंकि स्लोप पता ही है, कोई भी एंगल हो उसका टेंजेंट अगर निकालते हैं उसी को स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टेंजेंट पता चल गया तो एंगल भी पता चल ही जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यही है। आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है, इन द केस ऑफ एलिप्स वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस। अगर हम बात कर रहे हैं एलिप्स को रिप्रेजेंट करने की या ट्रेस करने की, तो उस केस में एलिप्स में पता ही है एक मेजर एक्सेस होती है, एक माइनर एक्सेस। एलिप्स क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह ये सब भी हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो एलिप्स के केस में मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की लेंथ भी हम इनिशियली निकाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन को देखकर। और जो है लास्ट पॉइंट वो है, वी कैन फाइंड द पॉइंट्स एट विच द गिवन कॉनिक कट्स द एक्सेस। और बाकी फर्दर हेल्प के लिए हम ये भी पॉइंट निकाल सकते हैं कि बेसिकली जो भी हमारा कॉनिक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलिप्स है, ठीक है, तो ये जो है एक्सेस को, यानी कि एक्स एक्सेस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ठीक है, और वाई एक्सेस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है, वो पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इससे भी हमें हेल्प मिलेगी कर्व को ट्रेस करने में या फिर कॉनिक को ट्रेस करने में, ठीक है। अब ये पॉइंट्स कैसे निकालने हैं वो भी वैसे सिंपल है, एक्स एक्सेस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी उसमें वाई की जगह जीरो पुट कर सकते हैं। सिमिलरली वाई पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, तो इक्वेशन में एक्स की जगह जीरो पुट कर सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये जो कर्व है ये कट कर रहा है वाई एक्सेस को और एक्स एक्सेस को, ठीक है, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये अभी तक हमने सारी बात थ्योरेटिकली करी थी, अब देखते हैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन में कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रेस द कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन गिवन है, हमें ट्रेस करना है कि ये कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है ये जो इक्वेशन है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो मैंने स्टार्टिंग में अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, ये वाली दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ये तब थी जब ओरिजिन जो है वो 0-0 पे लाए करता है, यानी कि जो सेंटर है वो 0-0 पे लाए करे, बट ऑब्वियसली ये इक्वेशन नहीं है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ अलग है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन तो नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो प्रीवियस वाली फॉर्मेट में मिलता हमें। तो अब देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहला स्टेप ये था कि सबसे पहले चेक करो कि ये जो इक्वेशन है वो कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे पहला स्टेप ये है। तो चेक करने के लिए पता ही है, सबसे पहले ए बी और एच तीनों वैल्यूज यहाँ से मिल जाती हैं हमें, तो ए इस केस में 17 है, बी इज 8 एंड एच इज -6। उसके बाद ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालते हैं, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो सॉल्व करने के बाद ये दिस इज 17 इंटू 8 -6, ठीक है, सॉल्व करा, सो दैट इज सॉल्व करने पे वी आर गेटिंग 100, ठीक है। तो 100 जो है ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर देन 0, और पढ़ा था हमने टेबल में कि अगर इस चीज़ की वैल्यू यानी कि ए बी माइनस एच स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा आ जाता है, तो उस केस में वो या तो एलिप्स हो सकता है या फिर एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हाँ ये एग्जैक्टली एलिप्स ही है या नहीं है, ठीक है। तो उस केस में वही डिस्क्रिमिनेंट निकलता था, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाता था तो वो या तो लाइंस हो सकती हैं या पॉइंट हो सकता है, लेकिन वो नॉन डीजनरेटेड कॉनिक नहीं होगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो उस केस में वो इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला तो नहीं होगा, वो कोई पेयर ऑफ लाइंस हो सकती है या फिर पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ये इक्वल्स टू 0 नहीं आया है, तो इट मींस ये इलिप्स ही है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने पहले देख ली कि जो इक्वेशन थी वो रिप्रेजेंट करके इसको रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि इलिप्स है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप देखते हैं, दैट वॉज फाइंड द सेंटर ऑफ दैट कॉनिक। उसके बाद इसका सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है, तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए पता ही था, दो फॉर्मेट बताए थे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल्स टू 0। इसी तरीके से एक सेकंड इक्वेशन का भी फॉर्मेट होता था, हमने ए एच और जी की सारी वैल्यूज़ वहाँ से मिल गई हैं, सेकंड इक्वेशन भी ऐसे फॉर्मेट पता ही है, पढ़ा है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये दो इक्वेशंस मिल गई लीनियर इक्वेशन, इन्हें सॉल्व करके जब पॉइंट निकालेंगे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, वही सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स के, ठीक है। तो जब हमने इनको सॉल्व करा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाकी आप कोई मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो सेंटर आया है दैट इज़ -1 एंड 1, ठीक है, -1 और 1 ये सेंटर आया है एलिप्स का, जो कि 0-0 नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है,
थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप ये था कि जो भी आपका सेंटर है उसको शिफ्ट कर दो ओरिजिन पे, या फिर ओरिजिन को उस सेंटर पे शिफ्ट कर दो। तो शिफ्टिंग ओरिजिन टू माइनस वन इन वन, ओरिजिन को उस पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो शिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, जहाँ जहाँ एक्स है पूरी इक्वेशन में वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स डैश माइनस वन से, और जो वाई है वो वाई डैश प्लस वन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूरी हमारी इक्वेशन गिवन थी, यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसमें जहाँ जहाँ x था वहाँ पर हमने x डैश माइनस वन रिप्लेस कर दिया है, और जो हमारी था वहाँ पर y डैश प्लस वन। ठीक है, पूरी इक्वेशन में ये पुट कर दी वैल्यूज़, और सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, सिंपली सॉल्व ही करना है। होगा क्या, जब हम शिफ्ट करेंगे तो इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगी, और एग्जैक्टली वैसे सही बताऊँ तो इसी फॉर्मेट में आ जाएगी, क्योंकि हमने ओरिजिन को जो है सेंटर पर शिफ्ट कर दिया है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखने में थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट एट दी एंड काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। ठीक है, और देखिए फॉर्मेट जो बचा है वो यही बचा है, और जो ये वही फॉर्मेट है जो स्टार्टिंग में पड़ा था, बट अभी ये एग्जैक्टली सेम नहीं है क्योंकि उसके राइट साइड पर वन होता है। तो ये जो 20 कॉन्स्टेंट है इसको राइट साइड ट्रांसफ़र करके और 20 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है, अभी हमने एग्जैक्टली करा क्या है? देखो, करा ये है कि इस तरीके से था। ठीक है, तो ये तो हमारे ओरिजिनल एक्सेसेस हो गई, दिस इज़ एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। हमने क्या करा है, जो इसका सेंटर था यानी कि एक्स जो है वो माइनस वन है और वाई जो है वो वन है, तो हमने उसको इसकी एक्सेसेस को शिफ्ट कर दिया, यानी कि इसका जो ओरिजिन था उसको यहाँ पर, जो इसका सेंटर था उस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, जिससे कि इक्वेशन जो है थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। अब देखते हैं, अब देखो कई लोग सोचेंगे कि हमें यहाँ पर ट्रेसिंग करनी है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर कुछ हमें इक्वेशंस नहीं शो करनी, बट ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रेसिंग जो है वो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होती है, लेकिन उसको मैथमेटिकली भी हमें शो करना होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप पे आते हैं, दैट वाज द फाइंड द एंगल और स्लोप फॉर्म्ड बाय न्यू एक्सेसेस विद द ओरिजिनल एक्सेस। अब क्या है, हमने इसकी जो एक्सेस थी उसे शिफ्ट तो कर दिया, बेसिकली ये ओरिजिन था पहले, ये वाली एक्सेस थी, अब एक्सेस कुछ और होंगी, एक्स डैश एंड वाई डैश अब कुछ और होंगी, लेकिन अब ये जो नई वाली एक्सेस है इनका एंगल क्या बन रहा है इस वाले के साथ, वो निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए वैसे तो देखो ये डायरेक्ट बना हुआ है। ठीक है, ये डायरेक्ट बना हुआ है फॉर्मेट, बस यहाँ पर हम ए माई बी और एच की वैल्यूज पुट करके एक डायरेक्ट हमें टैन थीटा की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है। बट कई स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि भाई ये कैसे आई, तो उसके लिए यहाँ पर साइड में थोड़ा सा मतलब इसका ब्रीफ में शो कर रखा है कि इसका ये प्रूफ टाइप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वही पुरानी चीज़ है जो हमने पहले ही प्रीवियस वीडियोज़ में देखी थी कि टैन टू थीटा उसको 2h अपॉन ए माइनस बी के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू सम थ्योरम, और उसके बाद tan 2 थीटा की वैल्यू ये सब होती है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद सिंपली इस वाली रिलेशन को पिक करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, एंड वी गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है, और आगे भी फर्दर अगर कभी यूज़ होगा तो हम इसी को यूज़ करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि वो लेंदी हो जाता है काफ़ी। ये वाला जो सॉल्यूशन है ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है, तो शॉर्ट में भी किया जा सकता था, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है मुझे, तो इस वजह से मैंने एक एक चीज़ प्रॉपरली शो करी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने ए बी और एच की वैल्यूज पुट करके ये हमें रिलेशन यानी कि एक कंडीशन मिल गई है टैन थीटा की फॉर्म में, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी मेथड। यू कैन यूज़ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, कोई भी मेथड जो आपको सुटेबल लगे दैट यू कैन यूज़। टैन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके टैन थीटा की दो वैल्यूज़ आ गई हैं ये दोनों। ठीक है, देखो दो वैल्यूज़ आ गई, बट पॉजिटिव को कंसिडर करना हमेशा सही रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हमने इसको यूज़ नहीं करा, वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाएगा। होता क्या है कि एक एंगल तो ऐसा है जो एक्स एक्सिस का बन रहा है इसके साथ, ठीक है ना, जो ओरिजिनल वाली एक्स एक्सिस थी और ये जो नई वाली एक्स डैश आई है इसका एंगल जो बन रहा है इस वाली एक्स एक्सिस का, मतलब इन दोनों के बीच में एक तो वो है, ठीक है, इन दोनों में से एक तो वो है, और जो दूसरा है वो वाला एंगल है जो वाई का बन रहा है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो अगर हम कोई भी एक केस ले लें और उसमें 90 ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं हमें वो दूसरा वाला एंगल मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो पॉजिटिव केस हो उसको ले सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव को सॉल्व करना भी ईजी होता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने टैन थीटा इक्वल्स टू 2 ले लिया और थीटा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो वो होगी ऑब्वियसली टैन इनवर्स 2। ठीक है, अब टैन इनवर्स 2 की देखो या तो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि टैन की वैल्यू 2 कब होती है, तो उसमें या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर एंगल ऐसा होगा यानी कि टैन की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी जो कि हमें पता हो, जैसे कि 1 हो सकती है, तो टैन हमें पता है 1 कब होता है, 45 डिग्री पे होता है, तो या तो ऐसा होगा, ठीक है, या फिर अगर इस तरीके की वैल्यूज़ होगी तो वो गिवन ही होगी आपको कि टैन इनवर्स 2 जो है वो उसके इक्वल है। ठीक है, तो
एक एंगल तो ये आ गया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है, दिस इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू, और एग्जैक्टली नीड भी नहीं होती, बस हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि कितना एंगल हो सकता है, ठीक है। सो ये तो कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड है, अगर हो आएगी ये वैल्यू तो गिवन ही होगी ये चीज़, ठीक है। अब देखो अगर इसमें सिंपल सी बात है 90 डिग्री और ऐड कर दें, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 डिग्री ही है ना, या यहाँ देख लो, या देखो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमने देखा कि एक्स डैश का इसके साथ एंगल जो है वो ये बन रहा है, ठीक है, टैन इनवर्स 2, तो इसके साथ ये वाला एंगल कितना बन रहा होगा। तो इसको कैसे भी समझ सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी से भी देख सकते हो कि भाई जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ट्राइंगल की जो है ये वाली साइड एक्सटेंडेड है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इन दोनों एंगल्स का सम होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी छोटी क्लासेस बड़ी है, इन दोनों का सम होगा। तो यानी कि इस एंगल में अगर ये 90 और ऐड कर दें तो वो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसमें हमने सिंपली जो थीटा 2 एंगल है उसमें पाई बाय 2 प्लस टैन इनवर्स 2 यही किया है, लेकिन ये एग्जैक्टली सॉल्व करके कितना आ रहा है उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि मेन तो जब हमने इसे सेट कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर ही हमें बनाना है सेंटर से पास करता हुआ, ये हमारा सेंटर है -1 और 1, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया जितना मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा हुआ है, अभी तक हमने इतनी चीज़ें निकाल ली, ये जो सेंटर पे ही शिफ्ट हो गया और रोटेशन क्या है यानी कि जो नई वाली एक्सेसेस है वो कैसे हैं वो भी सेट हो गई। अब मेन चीज़ है कि नई वाली के ऊपर हमें शो करना है कि इलिप्स बनेगा कैसे, ठीक है, मतलब कि इलिप्स इस पर कैसे शो करें या फिर कैसे बन पाएगा वो चीज़ देखते हैं। तो मैंने स्पेशली बताया था कि अगर बात इलिप्स की कर रहे हैं तो इलिप्स के केस में हम लेंथ्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेसेस भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट फिर भी ये ना लगे कि भाई फॉर्मूला आया कैसे या फिर कुछ प्रूफ नहीं है। देखो जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है मेरे लिए शो करना डेरिवेशंस को, ठीक है, वहाँ मैं कर देता हूँ, बट अगर लगता है कि डेरिवेशंस बहुत ही ज़्यादा लेंदी हैं और बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी तो उस केस में वी कैन स्किप दैट, क्योंकि एट द एंड डेरिवेशंस तो वैसे भी कोई पूछने वाला ही नहीं है कि ये क्वेश्चन कि पर्टिकुलरली ये जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है। तो फिर भी हाँ एक नॉलेज के लिए वाली बात होती है। तो देखो अब इसमें क्या है कि टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सेस, अगर लेंथ निकालने की बात करें तो ये इस फॉर्मेट में तो हमारी इक्वेशन आ गई थी, ठीक है, जब हमने शिफ्ट कर दिया था ओरिजिन को सेंटर पे, इस फॉर्मेट में आ गई थी। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर लिया पोलर फॉर्म में, हमने पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमने अपनी इनिशियली फर्स्ट वीडियो में ही था शायद। तो एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं आर कॉस थीटा से एंड वाई कैन बी रिप्लेस्ड विद आर साइन थीटा, ठीक है। तो इसको एक्स और वाई की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर दी और सॉल्व कराया सिंपली, ठीक है, आराम से पॉज करके देख लेना वीडियो कि कैसे हुआ है। सिंपली सॉल्व कराया, अब इस पूरे में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, और उसके बाद r की वैल्यू r स्क्वायर के जो है ये पूरी चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई आ रही थी उधर डिवाइड हो गई एंड वी गॉट दिस वैल्यू ऑफ r स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर r है क्या, यहाँ पर जो r है वो देखो यहाँ लिखा हुआ है r जो है इट रिप्रेजेंट्स सेमी मेजर या फिर माइनर एक्सेस, ठीक है, यानी कि एलिप्स में एक मेजर एक्सेस होती है एक माइनर एक्सेस, ये वाली मेजर एक्सेस है ये वाली माइनर एक्सेस है। तो यहाँ पर r जो है वो सेमी मेजर या फिर सेमी माइनर को शो कर रहा है, यानी कि या तो इतनी सिर्फ इतनी आधी यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट से यहाँ तक या फिर सेमी माइनर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आधी, ठीक है। और अगर आपको सेमी माइनर या सेमी मेजर पता चल गई तो उसके बाद उसको 2 से डबल करके या उससे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करके कंप्लीट की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को जिससे कि हमारी वैल्यूज आ पाएँ। तो देखो टैन थीटा की अभी हमने पीछे अब हम दोबारा से क्वेश्चन पे आ गए, टैन थीटा की दो वैल्यूज़ आई थी -1 अपॉन 2 एंड 2, ठीक है, -1 अपॉन 2 एंड 2, ये दो वैल्यूज़ आई थी टैन थीटा की। अब दोनों ही वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं या दोनों भी कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले एक एक करके पुट करेंगे, जैसे कि टैन थीटा को जो है पहले -1/2 पुट करी यहाँ पर, टैन थीटा की जगह -1/2 आ जाएगा। और जब सॉल्व करेंगे, जब टैन थीटा को -1/2 रखा और h तो हमें पता ही है, a भी पता है, तो ये पूरे में सब कुछ पता चल गया। जब सॉल्व करोगे ये वैल्यू रख के तो r1 की वैल्यू मतलब इसकी r की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब tan की जगह 2 रखोगे, क्योंकि tan theta की वैल्यू 2 भी आई थी, तो जब tan theta की वैल्यू 2 पुट करोगे तो r2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आई हैं, सॉल्व करके जब देखोगे तो पता चल जाएगा a, h और b की ये तीनों वैल्यूज़ हैं जो हमने हमारी नई वाली इक्वेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग ही लेनी है अब ये वैल्यूज़, ठीक है, शिफ्ट करने के बाद। वो पहले वाली मत ले लेना नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो R1 और R2 की ये वैल्यूज़ आ गई हैं, दिस इज़ लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सेस, दिस इज़ सेमी मेजर एक्सेस। ऑब्वियसली देख के पता चल रहा है कि ये छोटी है तो ये माइनर एक्सेस ही तो होगी, और ये बड़ी है सो इट वुड बी द सेमी मेजर एक्सेस, ठीक है। तो अब हमें सेमी तो पता चल गई, तो कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मेजर एक्सेस कितनी होगी, 2 into 2, 4 माइनर एक्सेस हो गई ये,
इजी है इलिप्स को कॉपी या ट्रेस करना, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, एक्स एक्सिस है तो सपोज़ अगर ये मेजर एक्सिस है तो हमें पता है मेजर एक्सिस की कंप्लीट लेंथ कितनी है, सो दैट इज़ 4 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से 2 यूनिट्स तो ये हो गए, दिस इज़ 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, ठीक है, क्योंकि सेमी मेजर 2 आया था और 2 यूनिट्स ये हो गए, 1 एंड 2, ठीक है। मतलब एक रफली भी शो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गैप सेम रहना चाहिए, बस ये है। तो ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर एक्सिस की हो गई 4 यूनिट्स, और इसी तरीके से माइनर एक्सिस की जो कंप्लीट लेंथ है दैट इज़ 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अब तो इसको ईजी था ट्रेस करना, क्योंकि ये एक्सेसेस तो हमें ऑलरेडी मिल ही गई थी, बस बात तो कर्व की रह गई थी। और जब हमें ये टोटल इनकी लेंथ पता चल गई मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की, तो इसे ट्रेस करना भी ईजी था, क्योंकि हमें फिर ये बेसिकली ये 4 पॉइंट्स पता चल गए, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स पता चल गए, फिर तो बस सिंपली ज्वाइन करना है। और अगर आपको बिल्कुल थोड़ा परफेक्ट बनाना है तो ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी देख सकते हैं कि ये जो एलिप्स है वो वाई एक्सिस को किस किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इससे थोड़ी सी और हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि और पॉइंट्स मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से एलिप्स जो था वो ट्रेस हो गया, यही मैंने लिख रखा है यहाँ पर। फॉर फर्दर हेल्प वी कैन फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एलिप्स विद द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय पुटिंग एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 0 इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। एक्स और वाई की जगह जब 0 अलग अलग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करी थी कि एलिप्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या ट्रेस करते हैं, ठीक है, अगर हमें कोई जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन है कॉनिक की। अब सेकेंड टाइप सेंट्रल में मैंने बताया था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉनिक्स को कैसे करते हैं ट्रेस, ठीक है। तो सेंट्रल में एक दूसरा केस था किसका, हाइपरबोला का। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है हाइपरबोला का है, और इसको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में ही सॉल्व करा है, बिकॉज एक हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं तो ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो अब ये है, ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ए बी और एच की। सबसे पहले तो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली इसी इक्वेशन से, ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाल के देखा। देखो स्टेप्स सारे वही हैं जो उसमें थे। सबसे पहले यही है कि सबसे पहले चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो किस कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर निकाला और सॉल्व करा तो ये नेगेटिव आया है, ठीक है, यानी कि लेस देन ज़ीरो आया है। और जब भी लेस देन ज़ीरो आए तो उस केस में दो केसेस हो सकते हैं, या तो इट कैन बी हाइपरबोला और अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो वो कहीं पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए वी जस्ट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट और वो जो कि नॉन इक्वल्स टू जीरो आया है, मतलब जीरो के इक्वल नहीं आया, ठीक है। और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट द लाइन, तो इसका मतलब ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि ये हाइपरबोला है। उसके बाद सेकेंड स्टेप अपना वही था कि सेंटर कहाँ है, ठीक है, सेंटर एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि सेंटर क्या है हाइपरबोला का। सेंटर के लिए ये दो इक्वेशंस थी, लीनियर इक्वेशंस, और हमने ए एच और जी और एच बी एंड एफ की वैल्यूज़ हमने इक्वेशन से फाइंड आउट करके यहाँ पर पुट करी, और यहाँ पर हमने सिंपली इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अगेन यू कैन यूज़ एनी मेथड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड वी गॉट द टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स इज़ माइनस टू एंड वाई इज़ टू, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, सो अगेन दिस इज़ द सेंटर, ठीक है। तो इट मीन्स सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला इज माइनस टू एंड टू, एंड इफ सेंटर इज दिस तो फिर अब क्या करना है, सिंपली शिफ्ट करना है ओरिजिन को, ठीक है, ओरिजिन को शिफ्ट करना है इस वाले पॉइंट पे। शिफ्टिंग के लिए वही वी कैन रिप्लेस एक्स विद एक्स डैश माइनस टू एंड वाई विद वाई डैश प्लस टू, ठीक है। एंड शिफ्ट करने के बाद जो इक्वेशन आई है रिड्यूस होकर ये आ गई, और ये फिर से वही वाला फॉर्मेट है जो हमने इनिशियली पढ़ा था। अब क्या है, अब देखना है सेकेंडली कि एंगल कितना बन रहा है नई वाली एक्सिस के बीच में और जो पुरानी वाली ओरिजिनल थी उनके बीच में कितना एंगल है। तो उसके लिए हमने डायरेक्टली वो यूज़ करा है, ये पीछे रिलेशन कैसे आया था टैन थीटा वाला, ये मैंने पीछे बताया है अभी। यहाँ पर ए माइनस बी अपॉन एच उसकी वैल्यूज़ पुट करनी होती है, ठीक है। सो ए माइनस बी करेंगे तो माइनस वन प्लस वन मतलब एट दी एंड जीरो ही आ जाएगा, और टैन स्क्वायर थीटा ही बचेगा यहाँ पर बस, क्योंकि ये पूरी चीज़ जीरो हो गई और ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो चुका है। तो टैन थीटा की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं प्लस माइनस वन, ठीक है, तो या तो प्लस वन या फिर माइनस वन। अब देखो थीटा वन यानी कि अब देखो प्लस वन होगी तो मतलब ये वो वाली बात है कि एक्स एक्सिस का जो नई वाली एक्स एक्सिस है उसका क्या एंगल बन रहा है इसके साथ, और जो दूसरा वाला है वेन टैन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन तो उसका मतलब वाई का क्या एंगल बन रहा है, ठीक है, इस वाई एक्सिस का इसके साथ क्या एंगल बन रहा है। तो कोई भी हमने जैसे पॉजिटिव वाला केस ले लिया कि भाई टैन थीटा की वैल्यू 1 है, तो टैन की वैल्यू 1 कब होती है 45 डिग्री ऑब्वियसली पाई बाय 4 पे, और अगर इसी में 90 डिग्री और ऐड कर दें, देखो ये तो पाई बाय 4 है, ठीक है ना, नई वाली एक्स एक्सिस का, और अगर इसी में हम ये वाला एंगल और ऐड कर दें मतलब इन दोनों को ऐड कर दें तो ऑब्वियसली यही तो आ जाएगा बाई यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
और यही एंगल बताना था, तो इसको जब हमने ऐड करा सो वी गॉट 3π/4। तो कहने का मतलब एंगल्स हमें दोनों पता चल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना, एंगल मेज़र करके हम ये एक्सेसेस बना सकते हैं नई वाली। अब क्या करना है, देखो इलिप्स की अगर बात करें तो वहाँ पर चलो मेजर और माइनर एक्सेस होती थी जिससे हमें हेल्प मिली ट्रेस करने में कॉनिक को, बट हाइपरबोला के केस में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कोई मेजर या माइनर एक्सेस नहीं होती। तो इस केस में क्या करें, उसमें तो ट्रांसवर्स एक्सेस एंड कॉन्जुगेट एक्सेस होती है जो कि वो तो ये जनरल ही है, कोई ऐसे लेंस वगैरह नहीं होती है। तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स वाला कंसेप्ट कि बेसिकली जो इक्वेशन है उस पर हाइपरबोला है और हाइपरबोला जो है इन वाली एक्सेसेस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, किन किन पॉइंट्स पे, क्योंकि उससे हमें हेल्प मिल सकती है ट्रेस करने में हाइपरबोला को। तो हमने एक बार चेक करा कि जो एक्स एक्सेस है, ये वाली एक्स एक्सेस, ये कहाँ कहाँ कट हो रही है हाइपरबोला से। तो उसके लिए हमने y इक्वल्स टू जीरो, जो भी हमारी ओरिजिनल ये वाली ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें y की जगह जीरो पुट करा और सॉल्व करा, ठीक है। तो सॉल्व करने पे दो वैल्यूज़ मिली हैं x की, विच इज़ -3 एंड -7। इसी तरीके से कि y एक्सिस कहाँ कहाँ कट हो रही है उसमें x इक्वल्स टू जीरो पुट करा और सॉल्व करने पे वी गॉट टू वैल्यूज़ ऑफ y, विच इज़ y इक्वल्स टू 7 एंड 3। तो बेसिकली y इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर x कट हो रहा है, दैट इज -3, 7 एंड -3, 0 एंड -7, 0। और ये वो वाले पॉइंट्स हैं जहाँ पर y कट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 है। तो चार पॉइंट्स पता चल गए हमें कि जो हाइपरबोला है वो कहाँ कहाँ कट कर रहा है ओरिजिनल एक्सेसिस को, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये फाइनली ये हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हमारी ओरिजिनल एक्सेसिस थी, उसके बाद यहाँ पर जो हमने एंगल रखा है वही अपना पाई बाय फोर यानी कि 45 डिग्री, और ये हमारा सेंटर था, ठीक है, दिस इज़ आवर सेंटर विच इज़ 2 एंड -2, यही आया था शायद, ठीक है, 2 एंड -2 सेंटर आ गया। तो यहाँ पर दिस इज़ आवर सेंटर, ये इसका एंगल हो गया, इसी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री वैसे भी बना सकते हैं, ये वाला एंगल पता ना भी हो तो चल जाएगा बिकॉज ये 90 है, तो ऑब्वियसली वो एंगल उतना ही होगा जितना हमने मेज़र किया था, ठीक है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आया था। उसके बाद अब चार पॉइंट्स हमने देखे थे कि क्या क्या आए थे, तो जो वाई एक्सिस है वो 3 पे और 7 पे कट हो रही है, और अगर बात करें एक्स एक्सिस की तो ये जो हाइपरबोला है वो उसको -3 एंड -7 इन पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो अब सिंपली हम इनके पॉइंट्स की हेल्प लेके हाइपरबोला को ट्रेस कर सकते हैं, और दिस इज़ द ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला कि हाउ वी ट्रेस द सेंट्रल कॉनिक एंड दैट शुड बी अ हाइपरबोला, ठीक है। सो बेसिकली हमने सेंट्रल कॉनिक्स को रिप्रेजेंट या फिर ट्रेस कैसे करते हैं ये देख लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर नॉन सेंट्रल कॉनिक यानी कि पैराबोला है तो उसको कैसे ट्रेस करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी अगर प्रॉब्लम या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।